So, एक बार फिर स्काई न्यूज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी हम लोगों ने दो एपिसोड ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो इस न्यूज को देखने के बाद। सो न्यूज नंबर वन आ रहा है जॉब रिलेटेड। एप्पल इंडिया में बहुत सारे जॉब्स तो दे चुका है, तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि एप्पल काफी बढ़िया सैलरी पे करता है। अभी का सीन ये है कि ऑलमोस्ट 1,00,000 लोगों को एप्पल में जॉब करने का मौका मिल रहा है। बट सरप्राइजिंगली एप्पल इस बार इस नंबर को डबल करने वाला है। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने पीएम नरेंद्र मोदी, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और दूसरे हाई लेवल मिनिस्टर के साथ बात कर चुका है। जी हाँ, टीम कुक ने खुद ये बात बोला है कि एप्पल डबल करने वाला है एम्प्लॉयमेंट, एंड सीरियसली ये काफी राहत का सांस देगा। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी लोग लेते हैं, ये न्यूज काफी यंग टैलेंट्स को मौका देगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। न्यूज नंबर 2, चैट जीपीटी के मदद से एक स्टूडेंट 12 वीक्स के सिलेबस को सिर्फ 3 दिन में कवर कर लिया। मजे की बात, उस स्टूडेंट को 94% मिला। स्टूडेंट्स रुको, अभी दौर के मत जाओ, सब मालूम है, पूरा न्यूज सुन लो पहले। सो चैट जीपीटी काफी केपेबल एक सिस्टम है, वो तो हमें पता है, बट इतना बढ़िया काम कर देगा वो सरप्राइजिंग। सो ये 94% वाला न्यूज ये है कि पहले तो स्टूडेंट ने सभी लेक्चर्स का ट्रांसक्रिप्ट लेना शुरू किया, उसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चैट जीपीटी से हाईलाइट भी करवा लेता। यही सिलसिला चला 3 दिन। चैट जीपीटी के बदौलत जनाब को मिल गया 94%। ये काफी बढ़िया न्यूज़ था, है ना? Well, न्यूज़ नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट अपने खुद का AI चिप डेवलप कर रहा, जिसका नाम है एथना। काफी कूल नेमिंग है, नहीं? By the way, एथना एक AI चैटबॉट है जो बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही काम करेगा, और वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी का काफी बड़ा पार्ट ओन भी करता। सूत्रों का माने तो ये AI चिप बहुत ही एडवांस लेवल का होने वाला है। ये चिप ह्यूमन कन्वर्सेशन को मिमिक भी करेगा, प्लस ये बहुत सारे पैटर्न रिकॉग्निशन में भी केपेबल होगा। सो हम एक ऐसे फ्यूचर के तरफ जा रहे हैं जिसमें AI सभी जगह में होगा। अभी तो गूगल एंड Amazon का भी आना बाकी है, वो लोग भी अपने AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। न्यूज नंबर 4, इंटेल का चिप बैन हो जाएगा। सो ये न्यूज है बिटकॉइन माइनिंग के रिलेटेड, एंड इंटेल का एक स्पेशल चिप है TR सीरीज का, वो बंद हो जाएगा। सिर्फ 1 ही साल हुआ था इस चिप को लॉन्च हुआ, ये लो डिसकंटिन्यूड भी हो गया। ये काम इंटेल ने अकेले नहीं किया, NVIDIA का जो हाई एंड ग्राफिक्स है वो भी क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज होता रहा। पता नहीं क्या चल रहा है। वैसे क्या तुमने कभी बिटकॉइन माइनिंग किया है? डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन अपना ही है, लिख सकते हो कुछ। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। न्यूज नंबर 5, टेस्ला का फुल्ली सेल्फ ड्राइव कार बहुत जल्द आ रहा है। मस्क साहब ने ये कह दिया है कि इसी साल हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा कार जो खुद ब खुद चलेगा। सो एज ऑफ नाउ टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर टेस्ट वर्जन पर ही है, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही रिस्की एक चीज है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि पैसेंजर के सेफ्टी ये पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, और अगर सॉफ्टवेयर कुछ मोमेंट्स के लिए भी काम करना बंद कर दे तो तुम समझ सकते हो। टेस्ला के प्रीवियस मॉडल्स में भी कुछ फीचर्स जैसे कि ऑटो पार्क एंड स्मार्ट समन को डिसेबल किया गया, बिकॉज ये फीचर्स properly work नहीं कर रहा। बट अब इलोन मस्क को एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ अपने लेटेस्ट सेल्फ ड्राइविंग कार को लॉन्च करना पड़ेगा, वरना ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल होगा। वेल न्यूज नंबर 6, बात करते हैं Realme 11 सीरीज को लेकर। So, लीक्स आ चुका है सामने, एंड हमें मिल चुका है सभी फीचर्स के बारे में एकदम सही इन्फॉर्मेशन। तो इस बार 2 फोन्स हमें देखने को मिल सकता है, Realme 11 Pro एंड 11 Pro Plus, 5000 mAh बैटरी, 16 GB रैम, प्लस वेरिएंट में हमें देखने को मिल सकता है Dimensity 7000 सीरीज का SoC एंड AMOLED स्क्रीन भी। और एक बार इस फोन के साथ 100W का फास्ट चार्जिंग आ सकता है। बिग नंबर्स हैपनिंग गाइस, आने दो, टेस्ट करेंगे, रिव्यू देंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि क्या Realme स्क्रीन को 11 सीरीज में कंटिन्यू करेगा? बता देना कमेंट करके। वेल फोन की लीक्स दे रहा हूं, तो न्यूज नंबर 7 भी फोन के रिगार्डिंग ही बताया। गूगल का फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड जून में लॉन्च हो सकता है, एंड हमें देखने को मिलेगा 2 कलर ऑप्शंस, शायद टेंसर G2 चिपसेट एंड एक बढ़िया बैटरी। देखते हैं डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि मैंने जितना भी नोटिस किया है फोल्डेबल्स आर ऑल अबाउट डिजाइन। बढ़िया डिजाइन रहा तो फिर फोल्ड एक सक्सेस होगा, वरना फेल। न्यूज नंबर 8 भी स्मार्टफोन रिलेटेड है। आईफोन 15 में बहुत सारे नए फीचर्स आ सकते हैं। इस बार एप्पल शायद 6x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करते हैं, साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर एंड बहुत ही बढ़िया एक A17 बायोनिक चिप। वैसे तो सैमसंग बहुत पहले से ही एक अल्टीमेट लेवल का जूमिंग प्रोवाइड कर रहा था, एंड आईफोन कहीं ना कहीं पीछे तो था, बट आई थिंक 15 सीरीज के साथ पूरा गेम चेंज हो जाएगा। So, इसी साल के लास्ट में आईफोन लॉन्च होने का चांसेस तो है, एंड हमें टाइप सी चार्जिंग भी देखने को मिलेगा ऐसा लगता है, और हाँ प्राइसिंग भी होगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाई, और यही है आईफोन 15 लाइनअप। न्यूज नंबर 9, इंडिया टॉप 6 नेशंस को ज्वाइन कर चुका है। रिसेंटली कैबिनेट ने 6,003 crore नेशनल क्वांटम मिशन के लिए अप्रूव किया, एंड इसी से ही इंडिया क्वांटम टेक नेशंस में इंक्लूड होगा। ये पैसा इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यूज होगा, क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर्स को बिल्ड किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ये इंडिया में एक काफी जरूरी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। न्यूज नंबर 10,
ट्विटर का एक न्यूज सामने आया है जिसमें बोला गया है कि ट्विटर ने 6.5 मिलियन कंटेंट्स को रिमूव किया था 2022 के फर्स्ट हाफ से पहले। आई मीन तब इलोन भाई ट्विटर के मालिक थे ना। आज की डेट में देखे तो ट्विटर में डाउनफॉल आया है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया काम कर तो रहा, अगर पहले जैसा हो जाए तो फिर बढ़िया रहेगा। यही थे 10 न्यूज, कैसा लगा कमेंट करके बताना। कैमरामैन घटोत्कच के साथ आकाश साइनिंग ऑफ।